दोस्तों सब्सक्राइब करो भंडार टीवी को और दबाओ इस घंटे को ताकि आप ऐसी वीडियो सबसे पहले देख पाओ। आंखों को पूरी तरह बर्बाद कर देती है ये एक गलती जो आप रोज करते हैं। देखेगा इस वीडियो को अंत तक जरूर। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि बिना आंखों की जिंदगी कैसी होती? एक बार आप सोच कर जरूर देखें। अगर आपकी आंखें नहीं होती तो आपको बहुत सी तकलीफों से गुजरना पड़ता। आपके जीवन में हमेशा अंधेरा छाया रहता। वो आप सिर्फ महसूस कर सकते थे, किसी चीज को देख नहीं सकते थे, क्योंकि आंखें हमारे जीवन का एक अनमोल अंग है जिसके बिना जीवन सिर्फ अंधेरे में गुजरती। इसलिए समय समय पर अपनी आंखों की जांच जरूर करवाएं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों आखिरी तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। आज का जमाना डिजिटल होता जा रहा है जिसके कारण हर काम अब ऑनलाइन होता है। दोस्तों जिसके कारण आज हर किसी की निगाहें अक्सर मोबाइल या कंप्यूटर पर जमा रहती हैं, जो आपकी आंखों के लिए काफी घातक सिद्ध होता है। आज अधिकतर युवा लोग मोबाइल से रात भर चिपके रहते हैं, जिसमें वो रात भर चैटिंग करते हैं, जिसके कारण उनकी आंखें स्क्रीन पर टिकी रहती हैं, जिसके कारण आंखों से पानी आने लगता है और वो उस पानी को पोंछकर फिर से मोबाइल चलाने लगते हैं। यही उनकी आंखों को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों जब हम मोबाइल की स्क्रीन को लगातार देखते रहते हैं तब आंखों से पानी आने लगे तो आंखें आपको ये संकेत देती हैं कि वह थक चुकी हैं, उसे वो लाइट और बर्दाश्त नहीं करनी और उसे आराम की जरूरत है। अगर आप इस संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं तो इससे आपकी आंखें बर्बाद हो जाएंगी। दोस्तों एक छोटा सा मैं आपको टिप देना चाहता हूं कि अगर आप यूज भी करते हैं तो आप ब्लू लाइट फिल्टर आपके मोबाइल में इंस्टॉल करके रखें, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करते हैं तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत पुराना है और जिसका इस्तेमाल खुद मैं भी करता हूं, जिसका नाम है फ्लक्स। आप उसके इस्तेमाल करें, वो आपकी स्क्रीन से ब्लू लाइट हटा देगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों और दोस्तों मैं तो सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि अगर आप अपनी आंखों को बचाना चाहते हैं तो मोबाइल कंप्यूटर से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। सिर्फ जब तक आपको उन चीजों की जरूरत है तब तक इस्तेमाल करें और उसके बाद उसे छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों ये आपकी जिंदगी है, आपको अपने बारे में सोचना है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।